गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? कोई लाइव है? अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्लियर है लिखें जरा। गुड मॉर्निंग एमा जी, ओले एमा जी, कैसे हैं आप? शंकर जी गुड मॉर्निंग, प्रियंका जी वेरी गुड मॉर्निंग, नेमचंद जी गुड मॉर्निंग, सुनील जी हेलो, परमेंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग, कृष्णा जी वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुरेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, गफूर अली जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू थैंक यू। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? पवन सिंह जी गुड मॉर्निंग, बलाल बर्मन जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कल ही एक लाइव मैंने बनाया था और कल के लाइव में मैंने बोला था अभी एक दो महीने के अंदर हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी, अभी कल ही मैंने जो लाइव बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी जो है एक दो महीने के अंदर या अगले महीने ही गुड न्यूज आने वाली है। दो से तीन बड़े लीडर जो है उस कंपनी को क्विट करने जा रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी बहुत 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 बड़ी न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे आप सभी लोगों के सामने आई है। और एक बहुत बड़ा नाम मैं अगर मैं बोलूँ तो मिस्टर श्रीमान राहुल मकरानी जी, जो एक बहुत बड़ी टीम को लीड करते थे, तकरीबन 4 लाख से ज्यादा लोगों की टीम उनकी थी, ऑडी कार अचीवर थे और 10 लाख रुपए मंथली से ज्यादा का उनका पे आउट था। आज उन्होंने हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी वेस्टिज को क्विट कर दिया। सत्यपाल जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और कल ही इसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने दी थी और अभी और दो तीन बड़ी लीडरशिप आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। और यहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक गाना याद आ रहा है, वो गाना मैं आपके बीच में जरूर शेयर करना चाहूंगा। और उस गाने को अगर आप समझ गए तो जिंदगी में कम से कम गलत काम आप नहीं करेंगे। और बहुत ही मशहूर गाना है वो, जैसी करनी वैसी भरनी वाला गाना आपने सुना होगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अब पता क्या स्टेटमेंट आएंगे, अभी व्हाट्सएप पे मेरे को लोगों ने कहना शुरू कर दिया, फेसबुक पे लोगों ने मेरे को कहना कर दिया कि राहुल मकरानी जी को किसी ने माइंड वॉश कर दिया, गुमराह कर दिया, इसलिए छोड़ के चले गए। कुछ लोग बोलेंगे इनका चेक नहीं आता था, जैसे हमें बोला गया। आवाज नहीं आ रही है मेरी? सैम साकिब जी कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो प्लीज जरा बताएं। वॉइस क्लियर है? प्लीज लिखें जरा। थैंक यू सो मच। तो अब क्या बोला जाएगा? अब बोल रहे हैं राहुल मकरानी जी को किसी ने मिसगाइड कर दिया, जैसे वो दूध पीते हुए बच्चे थे, उनको कोई इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था। अब बोला जाएगा राहुल मकरानी जी का चेक नहीं आता था, जबकि उनका 10 लाख रुपए से ज्यादा चेक आता था। अब बोला जाएगा उनके पास तो कोई अचीवमेंट नहीं थी, जबकि उन्होंने ऑडी कार अचीव की हुई थी। अब बोला जाएगा कि भैया उन्होंने क्रॉस स्पॉन्सरिंग की थी, जैसे मेरे केस में बोला गया, जबकि उन्होंने कोई क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं। इतना जबरदस्त लीडर, इतना डायनामिक लीडर, इतना एनर्जेटिक लीडर, आज ऐसा लग रहा है जैसे उनकी एनर्जी मेरे अंदर भर गई है। अब मैं बोलना चाहूंगा मिस्टर अनिल कुमार वर्मा जी से और बाकी जितने भी लीडर हैं, भैया इस वीडियो को भी आप अपलोड कर लें। अब समस्या पता क्या है? अब ये पता किसको समझना है? ये उन लोगों को समझना है जो छोटे मोटे 2-4-5 हजार कमाने वाले जो लोग हैं, वो हमारे लाइव पे हमारी पोस्ट पे आके लिखते हैं आपका तो काम ही यही है, कौन सा बड़ा लीडर गया है, क्या हो गया चला गया, ऐसे तो जाते रहते हैं। भैया ऐसे नहीं, 10 लाख 10.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति चला गया, सोच के देखिए, 10.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला, और आप यही आपको समझाना चाहते हैं। और गए कहां पे? 2 लाख के प्लान पे गए। सबसे बड़ी चीज क्या? 2 लाख के प्लान पे गए। अब लोग पता क्या बोलेंगे? अरे वो बाइनरी करते थे और इसीलिए 2 लाख के प्लान पे चले गए। भाई 5 साल जिंदगी के दिए उस व्यक्ति ने, 5 साल
और ऐसा नहीं मेहनत नहीं की है, 10-11 लाख रुपए के पेआउट पे वो व्यक्ति पहुंचा। और ऐसा नहीं ऑडी कार अचीव की, बहुत बड़ी टीम थी, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, 1000-2000, 2000-5000 लोगों का वो सेमिनार करवाया करता था व्यक्ति। इतनी बड़ी लीडरशिप अगर छोड़ के जा रही है, उसके बाद अभी वही बात है, कुछ आएंगे भक्त जिनको जिनको आप कुछ नहीं रहा होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपका तो काम ही यही है, ओके लाइफ केयर का तो काम ही यही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूं, जैसी करनी वैसी भरनी, अब भी समझ जाइए, अब भी लोगों के बारे में फेक न्यूज चलाना स्प्रेड करना बंद कीजिए। जैसे आपके अनिल कुमार वर्मा ने मेरा 1 मिनट का ऑडियो काट के डाला, उसका फल मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है। और जिस तरीके से ओके लाइफ करके सभी लीडर्स की मां के बारे में गलत बात उस व्यक्ति ने बोली, ये इनकी लीडरशिप है। तो वाकई इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है, क्योंकि इस कंपनी में शुरू से यही हुआ, उस कंपनी का बड़ा लीडर लाओ, उस कंपनी का बड़ा लीडर लाओ, उस कंपनी का बड़ा लीडर लाओ, उस कंपनी का बड़ा लीडर लाओ। मैं कल भी मैंने एक बात बोली थी और आज भी एक बात बोल रहा हूं, 1 नंबर का खिताब किसने दिया ये बताइए। और कल का जो मेरा वीडियो था वो एक एक्शन का रिएक्शन था, अगर अनिल कुमार वर्मा वो गलती नहीं करता तो शायद मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अनिल कुमार वर्मा ने वो भी गलती की और साथ में उसने गाली बकी मां की सोशल मीडिया पे आके, जो कि एक क्राइम है, अगर हम चाहें तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं यहां से, और हो सकता है कि हो भी जाए। सोशल मीडिया पे मां की गाली लिखना और पूरी कंपनी को लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है। तो अब जितने भी वो लीडर हैं जो बेचारे अभी लोगों की गाड़ियां देख के, कार देख के, क्योंकि यही होता है ड्रीम सेलिंग, तो यही है ना। ISP वशिष्ठ जी आए थे, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि जब आदमी के पास पैसा आना बंद होता है और लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब बेचारे ने 70 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, उसकी किस्त अभी 25 लाख की बाइक लेने की भी बात कर रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, टेंशन में हमेशा गलत डिसीजन होते हैं अगर माइंड कंट्रोल ना हो, तो ऐसा ही डिसीजन उन्होंने लिया। तो भाई अजय शर्मा तो बहुत छोटा सा इंसान था, आपने का क्रॉस स्पॉन्सरिंग करता था, उसका पेआउट नहीं आता था, जबकि मैंने कई बार बोला अपना पेआउट दिखाया भी, भैया मेरा पेआउट जिसको देखना है मेरे घर आ जाओ, मैं दिखा देता हूं, वेस्टीज से भी कितना आया और ओके लाइफ केयर से भी कितना आया, सब कुछ मैंने बताया। एक आदमी की हिम्मत नहीं हुई, बस वैसे ही सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी आप सभी लोग बातें करते रहते हैं। अब आएंगे बहुत सारे भक्त, इस लाइव में भी आएंगे, समझ में नहीं आएगा, अरे भैया मैं किसी छोटे मोटे लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल मकरानी जी की बात कर रहा हूं, कितने बड़े लीडर ने सोच के देखे, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। उन्होंने बोला कि वहां पे हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी, हमने कंपनी से कहने की बहुत सारी कोशिशें की होगी उसके बाद, जैसे मैंने भी की थी कंपनी से कहने की कोशिश, नहीं समझे। जो भी लीडर छोड़ के जा रहा बड़ा, आप देख लीजिए, सबने बोला कि हमने कंपनी को कुछ कहने की कोशिश की कि बहुत मेहनत करने के बाद नीचे डाउन में पैसा नहीं जा रहा है, और बड़े लीडरों के भी चेक नहीं बन रहे हैं, इसीलिए बड़े बड़े लीडर आज उस कंपनी को छोड़ रहे हैं। और फिर अगेन वही बात बोलूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी कंपनी से लोग नहीं जाएंगे, हर कंपनी से लोग जाते हैं। अब ये आया देखो एक मनीष मिश्रा जी, आप भी ये सब किए हो, आप भी ये सब किए हो, भाई मैंने क्या किया है? अब राहुल मकरानी जी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलना, राहुल मकरानी को बिजनेस करना नहीं आता था, वो तो ऐसे ही थे, वो तो ये काम है आप लोगों का, ये आप लोगों का भाई काम है। और इन्हीं हरकतों की वजह से ये जो कमेंट आपके आप करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि कुछ बोलें आपके खिलाफ। अब मैं देखता हूं कितने बड़े बड़े लीडर डालते हैं, हाँ जी राहुल मकरानी जी चले गए हैं, भाई जो बोगे वो काटना पड़ेगा, अपने लिए जिस दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना वो इंसान खुद गड्ढे में जाके गिरता है। अब भी वक्त है, आप एक बेहतर कंपनी हो, लोगों का मजाक बनाना बंद करो, दूसरी कंपनी जो आपके सामने, नई कंपनी जो आके खड़ी हो रही है, उनका प्लीज मजाक बनाना बंद कीजिए। एक दिन आप भी नए थे, एक दिन आपने भी छोटे कमरे से शुरुआत की थी, एक दिन आपके मालिक खुद बोलते हैं कि हम गाड़ियों में सामान रख रख के दिल्ली से चंडीगढ़ जाते थे, मर्सिडीज गाड़ी में सामान रख के, और तब देते थे, कोई सेंटर नहीं हुआ करता था। आज आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हो, किसी नई कंपनी के ऊपर उंगली उठाते हो, बड़े लीडर आके बोलते हैं कि भाई कोई नई कंपनी खुल रही है तो उसकी तो सर्विसेज अच्छी नहीं है, हमारी सर्विसेज हिंदुस्तान में सबसे बेहतर सर्विस है। भैया वो सर्विस 16 साल के बाद हुई आपकी, अपनी पुरानी वीडियो जाके देखो जहां पे आपके टॉप अर्नर बोलते हैं कि दिल्ली से मुंबई जब हम जाया करते थे 15 दिन बाद प्रोडक्ट पहुंचता था,
तो वो सब कुछ जो आपके साथ हुआ, हम इसकी तारीफ करते हैं कि आप हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी हो, आपने एक मुकाम हासिल किया है, आप वर्ल्ड के अंदर 30वें रैंक पे हो। अच्छा, कल एक बात भूलना मैं भूल गया था, आज के लाइव में मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अच्छा, कोई कंपनी 30वें रैंक पे पहुंच जाए, इससे एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मिल रहा है मुझे बताइए जरा। ये उस कंपनी के सभी लीडर से मैं बात करूंगा जो बोलते हैं हमारी कंपनी 30 रैंक पे पहुंच गई। 30 भाई, उस कंपनी के 30 रैंक पे पहुंचने से आपके घर में कितना पैसा आ रहा है? वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है एमवे, आप सर्च कर लेना, जो वो लिस्ट दिखाते हैं उसमें सबसे ऊपर एमवे है। उसने आज तक नहीं बोला हम दुनिया की नंबर वन कंपनी है, उसके लीडर आज तक नहीं बोलते स्टेज के ऊपर हम दुनिया की नंबर वन कंपनी है। उनके लीडर कभी फेसबुक पर नहीं डालते कि हम दुनिया की नंबर वन कंपनी है, थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है उनके नंबर वन बनने से किसी घर में चेक नहीं जाएगा, चेक हमेशा जाएगा बिजनेस से, चेक हमेशा जाएगा सेल से। एक व्यक्ति का 1000 रुपए का चेक आ नहीं रहा है, 6-8 महीने 1 साल हो गए काम करते हुए, वो डाल रहा जी 30वें रैंक पे, उसके दिमाग में डाल दिया गया 30वें रैंक पे। भैया, उस 30वें रैंक से आपको क्या मिल रहा है? ये उसी तरीके से बात हो गई कि गांव के अंदर कोई एक प्रधान बना या गांव के अंदर कोई एक विधायक बना तो एक डायलॉग आता है कि हमारे चचा विधायक हैं। वो चचा रियल के भी नहीं है, बस गांव में जो भी होता है उसको चचा ताऊ बहन भाई बोलते हैं, तो वो धौंस देता है कि मेरे चचा विधायक हैं। तो अब भी समझ जाओ, एंटायर लीडरशिप को बोल रहा हूं मैं, अब भी समझ जाओ, जो गलत काम कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं, अब भी समझ जाओ। लोगों की नई कंपनियों की बुराई करना बंद करो। आपको SHO SHM का मेंबर बनाया गया है, वो जो सीट दी गई है, तो लोगों को प्रेरित कीजिए, अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में बोलिए कि नई नई कंपनी जो आ रही है उनका भी हमें स्वागत करना है। इस तरीके की भाषा शैली अपनाइए, जब भी कोई नई कंपनी मार्केट के अंदर आती है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। सभी बड़े लीडर, उनके मैनेजमेंट के लोगों से मैं बोलता हूं, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको बोलिए कि आपका भी इस इंडस्ट्री के अंदर स्वागत है। तभी तो ये इंडस्ट्री 25,000 करोड़ या 50,000 करोड़ की होगी, सिर्फ एक कंपनी 25,000 करोड़ 50,000 करोड़ की थोड़ी कर लेगी। लेकिन अभी देख लेना, अभी बात वही होगी, अभी मकरानी जी के ऊपर भी दुनिया भर के ब्लेम लगाए जाएंगे, दुनिया भर के ब्लेम लगाए जाएंगे जैसे हमारे ऊपर लगाए गए। अब क्या वो सफाई दोगे आप बताइए मेरे को? कल तक तो बोल रहे थे तो छोटे छोटे लीडर हैं चले जाते हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं अमित को कंपनी ने लिया ही नहीं, दूसरे तरफ बोल रहे हैं कि अमित ने वहां भी आईडी एक्टिव करा लिया, अमित ने यहां भी आईडी एक्टिव करा लिया, अमित तो मजे ले रहा है। एक ही कंपनी के दो लीडर अलग अलग बात कर रहे हैं। भाई, जब आपको मालूम था कि अमित को नहीं लिया गया है स्टार के बाद, 2 साल से पहले किसी को वापस कंपनी में नहीं लिया जाता, तो उसकी वीडियो डाली क्यों? इसका मतलब आपके लीडर की एजुकेशन में कमी है। सभी ने अपने फायदे के लिए वीडियो वायरल कर दी। मैं फिर हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस इंडस्ट्री के सभी लीडर्स से कि नई कंपनी खुलेंगी उसको आप रोक नहीं सकते। नई कंपनी अगर आपके सामने आती है तो उसकी तारीफ करें, अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से सही तरीके से कार्य कर रही है तो। अगर वो कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, अगर वो कोई इस इंडस्ट्री को बदनाम करने वाला काम करे ऐसी कोई कंपनी नहीं है, तो हम सब लोगों को उस कंपनी को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई फ्रॉड कंपनी है तो हम सबको मिलके उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सबको मिलके। ऐसा नहीं कि जिस कंपनी के ऊपर वो अटैक कर रही है बेचारा वही लड़ता रहे। ये भी इस इंडस्ट्री में चल रहा है कि फलाना कंपनी आई वो ओके के लीडर को तोड़ रही है, तो हमें क्या मतलब, मजा आए ओके बंद हो। यानी एक गलत आदमी एक सही आदमी को परेशान कर रहा है तो बाकी खुश होते हैं। जब कोई गलत कंपनी आती है तो सभी लीडर को अपने अपनी टीम के अंदर फेसबुक के माध्यम से आके आगाह करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लीडर ने पहले बोला कि भाई ये कंपनी बंद होगी, ये कंपनी गलत है, इस कंपनी के अंदर मत जाओ, क्योंकि आपका अनुभव है, हमारा अनुभव है, तो हमें बोलना चाहिए। तो जो कोई नई कंपनी आए उसका हाथ जोड़ के स्वागत करो, उसके कंधे पे हाथ रख के अप्रिशिएट करो। जो हमारी कंपनी के CEO करते हैं वो बोलते हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट हमारी कंपनी के CEO मिस्टर DK सारन देते हैं, आपने कभी सुना होगा कि जो हमारी कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है वो किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आप ले लो। किसी के अंदर जिगरा होना चाहिए ना ये स्टेटमेंट देने के लिए। है किसी आज तक किसी MD के मुंह से सुना है आपने ये बात? हम यही बात बोलते हैं, जो हमारी कंपनी में प्रोडक्ट है वही लीजिए, दूसरा प्रोडक्ट जो है बाहर मार्केट से लीजिए, किसी और कंपनी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी कंपनी के CEO खुल के एक बात बोलते हैं और वो बोलते हैं कि मैं खुद लेता हूं। वो बोलते हैं हमारी कंपनी के अंदर जब चाय पत्ती नहीं थी तो उन्होंने बोला हमारी कंपनी में चाय पत्ती नहीं है, तो जो दूसरी कंपनियों में चाय पत्ती है उनसे लो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लो, ट्रेडिशनल मार्केट से नहीं लो। इसको बोलते हैं लीडरशिप। और वो बोल उन्होंने बहुत पहले बोलना शुरू कर दिया था कि नई नई कंपनी आएंगी, हमसे बेहतर भी आएंगी, जो हमसे बेहतर आएंगी वो हमें मोटिवेट करेंगी और बेहतर होने के लिए, हमें एहसास होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो नई कंपनियों का स्वागत करना चाहिए।
अभी कोई लिख रहा है कौन क्या कर रहा है इस पर अपना समय व्यतीत कर रहा है। अब देखिए ज्ञान देने आएंगे कौन क्या कर रहा है इससे अपना समय व्यतीत करने से। आप भैया ये हमें मत समझाओ कौन क्या कर रहा है, हम अपने काम पे ध्यान दें, ये आप अपनी कंपनी के लीडर्स को समझाओ। जब आप करते हो तो बहुत बढ़िया, और जब परेशान होके बहुत झेलने के बाद हम करते हैं तो अपने काम पे ध्यान दो, इस इंडस्ट्री को नेगेटिव मत करो, ऐसे ही इंडस्ट्री नेगेटिव हो जाएगी। हम यही तो समझा रहे हैं कि शुरू से आपकी कंपनी ने किया क्या है वो दिखाई नहीं देगा। मैं यही समझा रहा हूं, एक तो जो नई कंपनी आए भाई उसको अप्रिशिएट करो, दूसरा अगर आपकी कंपनी से कोई छोड़ के जाता है तो उसका स्वागत करो, उसका वेलकम करो, उसको अच्छा सा एक ट्रीटमेंट दो, फेयरवेल दो कि चलो कोई बात नहीं, जहां जा रहे हो अच्छा जा रहे हो। ये हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे मैं बोलता हूं, अगर मेरी टीम के अंदर कोई व्यक्ति जो मेरे से डायरेक्ट स्पॉन्सर है किसी लीडर में हिम्मत? मेरी टीम में जो व्यक्ति मेरे से डायरेक्ट स्पॉन्सर है, कई बार मैं बोल चुका हूं, अगर वो मेरी लीडरशिप से संतुष्ट नहीं है, जिसको मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ है, मेरे से एनओसी लेके किसी भी दूसरे ग्रुप में जा सकता है। ये है हिम्मत किसी लीडर में कहने की? फंसा फंसा के बैठे हम लोगों को। बहुत सारे लीडर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने बहुत सारे लोगों को झूठ बोल के फंसा लिया अपने ग्रुप में, उनको बेचारों को मुक्ति भी नहीं दे रहे, फंसे हुए वो काम भी नहीं कर पा रहे, कई लोगों ने इस बिजनेस को छोड़ दिया। जब मैं किसी को सर्विस नहीं दे सकता हूं तो भाई उसको मैं मुक्त करूं, भाई तू जहां जाना तेरा करियर है यार, तू चला जा, कोई मैं मां के पेट से उस ज्वाइनिंग को थोड़ी लेके आया था। ये जिगरा भी होना चाहिए। तो पहला जो नई कंपनी आए उसको अप्रिशिएट करो, दूसरा कोई लीडर अगर छोड़ के जा रहा है तो उसकी उसको वेलकम करो, उसका फेयरवेल करो, उसको बोलो ठीक है जी जो आपका डिसीजन है वो बहुत बढ़िया डिसीजन है, और तीसरा अगर दूसरी कंपनी का कोई लीडर छोड़े है तो उसको गलत तरीके से प्रमोट मत करो, जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने किया। मैं बिल्कुल लाइव नहीं आता, एक वर्ड की वजह से मैं लाइव आया हूं, दो कारणों से मैंने बताया। एक अनिल कुमार वर्मा ने मेरा वीडियो कट करके लगाया, तो मैं भैया अपने वीडियो के बारे में बोलने तो जरूर आऊंगा, गलती उसकी है। दूसरा उसने एंटायर ओके लाइव किया कि जो लीडर है उनकी मां को गाली बकी, गाली नहीं बहुत गलत शब्द यूज किया जो कल के लाइव में आप देख सकते हैं, उस कारण से मैं आया। और तीसरा जो मैं आया वो आया जितने भी वेस्टइज के लीडर हैं जिन्होंने वो वीडियो अपने अपने अमित कुमार की डाली, वहां पे लिखा ओके एक धोखा है, आप अपनी कंपनी की तारीफ करो। वो गदर फिल्म वाला डायलॉग याद आता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान मुर्दाबाद अगर कहोगे तो फिर छोड़ूंगा नहीं। अब एक आए देखो जी संदीप कुमार जी, अजय शर्मा आप बहुत अच्छे बोलते हैं पर आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं। भाई साहब आप डिस्टर्ब होते क्यों हैं? संदीप जी प्लीज डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, अब मैं इसमें क्या डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको? आप एक बात बताइए, आप अनिल कुमार वर्मा के उस पर कमेंट कर सकते हैं? मैंने कई बार बोला कि अनिल जी आप अपनी आदतों को सुधारो। आप जितने भी लीडरों ने कल ये लिखा ओके एक धोखा है, परसों जो लिखा, उन लीडर के उस पर कमेंट करने की हिम्मत कर सकते हो? अगर आप उन सबके लीडरों को कमेंट कर सकते हो तो ये कमेंट करने का अधिकार मेरे पास है। आप अपनी कंपनी में अपनी अपलाइन का पे आउट तक नहीं देख सकते, इतनी हिम्मत नहीं आपकी? हमारे पे आउट चाहिए आपको, कोई नई कंपनी आए उसके पे आउट चाहिए, आपके पे आउट सच्चे, हमारे पे आउट झूठे। और अगर सर मैं आपको डिस्टर्ब करता हूं, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं, मैं आपके घर तो नहीं आया सर इस लाइव के लिए, इसी फेसबुक में एक बटन है सर अनफ्रेंड का, तो अगर आप डिस्टर्ब हैं तो प्लीज अनफ्रेंड कर दीजिए सर, अनफ्रेंड कर दीजिए सर, आप डिस्टर्ब मत होइए। क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो डिस्टर्ब नहीं हो रहे सर। तो तीन चीजें, एक नई कंपनी का स्वागत कीजिए, नंबर वन कंपनी से बोल रहा हूं क्योंकि आप एसओचएम में बैठे हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने दी है। दूसरा, जो लोग छोड़ के जाए भैया उनके बारे में गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें, बोले कि भाई उनका पर्सनल डिसीजन था, किसी और कंपनी से आए थे, किसी और कंपनी में चले गए। जैसे अमित जी के बारे में जब हमसे लोगों ने पूछा तो हमने अपनी टीम में एक ही बात बोली सबको, भाई वो किसी और कंपनी से आए थे, उनको यहां कुछ अच्छा नहीं लगा, वो किसी और कंपनी में चले गए, उनके पास अधिकार है। और तीसरा, अगर कोई दूसरी कंपनी का व्यक्ति छोड़ के अगर आपकी कंपनी के अंदर आता है तो आप ये कहो कि उस कंपनी का व्यक्ति हमारी कंपनी में आ गया, ये कहने का अधिकार, वो वीडियो डालने का अधिकार सबको है, लेकिन उस कंपनी को जिसको वो छोड़ के आया है उसको ये कहना कि ये धोखा है, ये कहना कि ये गलत है, इसके खिलाफ मैं कल लाइव आया था और आज लाइव आया था। अब इसमें देख लीजिए, मैंने आपको 4-5 लाइव पहले, काफी टाइम पहले जो लाइव बनाया था मैंने तब बोला था मेरे बारे में जब आप बोलोगे तो मैं जरूर आऊंगा, मेरे बारे में नहीं बोलोगे आप कुछ भी करते रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बारे में अगर बोलोगे तो मैं बोलूंगा।
अगर कोई 10 लाख वाले कहाँ गया भैया आपका मैसेज, अगर कोई 10 लाख वाले लीडर छोड़कर जा रहे हैं तो कुछ तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ बात है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगी, इनको किसी को समझ में नहीं आएगी। हम तो 1 लाख कमाते थे, चलो छोड़ो यार, 10-15 लाख कमाने वाला ऑडी कार अचीवर 5 साल, उनकी वीडियो देखो राहुल मकरानी की, मैं आज आपको बोलूंगा उनकी वीडियो देखो। उन्होंने तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, एक स्टेटमेंट मुझे अभी बैठे बैठे उनका याद आता है कि एक दिन मेरे हाथ पे मच्छर बैठ गया और उस मच्छर ने मुझे खा लिया, और मच्छर जैसे ही उड़ा वो एनर्जेटिक हो गया, उसके मुंह से वेस्टिज 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 निकलना पड़ गया। एक इंसान सर इतना दिल से, इतने मेहनत से, अपना समझ के उस कंपनी को काम करता है, बाद में हम उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनकी वीडियो को कटिंग कटिंग करके डालते हैं। जो आदमी इतनी शिद्दत के साथ काम कर रहा था, जो इतना, जिसने ये बोल दिया था कि मेरे ब्लड के अंदर भी वेस्टिज है, अगर वो छोड़ रहा है तो दोस्त कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा, ऐसी कोई थोड़ी छोड़ देगा 10-10.5 लाख की इनकम को, कोई ऐसी छोड़ देगा, कोई पागल है आदमी। मनीष मिश्रा जी कह रहे हैं जब से आप लाइव आना शुरू हुए तब से कोई एक जगह नहीं टिक पाया है। भाई मैं तो नहीं चाहता हूं, मैं तो कहता हूं कि सब लोग एक जगह टिकें, और अगर आपको लगता है पता नहीं नेगेटिव पोस्ट कर रहे हैं या पॉजिटिव पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि भैया जब नेट नहीं होते थे ना इस हिंदुस्तान के अंदर, जब नेट नहीं होते थे, जब यूट्यूब पे बहुत कम लोग वीडियो देखा करते थे, उस टाइम पे राजस्थान के एक बहुत बड़े लीडर एसपी भारेल जी ने एक वीडियो डाला था एमवे के खिलाफ, आप जाके देख लेना, आज भी वो वीडियो है ना, तो वो जाके देख लेना। तो यहां पे जो सबसे अहम बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है कि जितने भी बड़े, अभी जैसे कल मैंने बताया कि एसपी भारेल जी की टीम से गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी टीम जो है उन्होंने वेस्टिज को क्विट किया है, बहुत बड़े पे आउट पे वो लोग थे, और उन्होंने 2 लाख का प्लान वाली कंपनी खुद की खोली है, और राहुल मकरानी जी भी 2 लाख के प्लान पे गए हैं, जितने भी लोग हैं वो 2 लाख के प्लान पे जा रहे हैं। इसका मतलब आने वाला जो वक्त है, और जितनी कंपनी भी 2 लाख के प्लान लेके आ रही हैं, वो सारी के सारी कंपनी कहीं ना कहीं ओके लाइफ केयर के मार्केटिंग प्लान को कॉपी कर रहे हैं। तो मैं तो आपको सर समझाने आया हूं, आपको बचाने आया हूं कि हम तो बहुत पहले समझ गए थे, अब आपकी बारी है, अब भी अगर समझेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आने वाले वक्त में क्या होना है। बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ने का मूड बना चुके हैं। अब मैं एक देखो बहुत बढ़िया बात बताता हूं, आप देखिए, जैसे मैंने कल एक बात बोली थी कि हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी कहती है कि हमारी ग्रोथ हर साल बढ़ रही है, हमारा रैंक हर साल बढ़ रहा है, तो मैंने क्वेश्चन किया था कि उनकी कंपनी के जो टॉप अर्नर है उनका 1 करोड़ से ज्यादा का चेक पिछले 4 साल में क्यों नहीं हुआ, 4 साल लंबा पीरियड निकल गया, आप बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, आप 70-75-100वें रैंक से आप 30 रैंक पे आ गए हैं, आपका टर्नओवर भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, आपने खुद अपने आप को एक टाइटल दे दिया नंबर 1 का, तो मैंने एक बात बोली थी कि चेक क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? यही रीजन है कि इनके जितने बड़े बड़े लीडर हैं उनका चेक बिल्कुल स्टेबल है, वो बढ़ नहीं रहा है। और एक सबसे बड़ी जो चीज है, जो अनिल कुमार वर्मा जी, जो आज एचपी वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छी बात बोली, वो बात क्या बोली कि भैया जब आपका चेक 1 लाख रुपए का है और आप 70,000 रुपए महीने की ईएमआई की कार ले लोगे तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। तो इस लाइव के माध्यम से मैं सभी लोगों को, खासकर नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, नंबर 3 हो, नंबर 4 हो, वैसे तो हमारे सीईओ या बहुत सारे लोग आपको समझा चुके हैं, एक चीज जरूर समझाना चाहूंगा, किसी भी कंपनी में जाओ दोस्त, पैसा कमाओ, सबसे पहले उस पैसे को सेव कर लो जो आज ओके लाइफ केयर में आने के बाद हमने किया, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, लग्जरी की तरफ मत जाओ, दिखावे की तरफ मत जाओ, महंगे महंगे फोन, महंगी महंगी गाड़ी मत खरीदो, क्योंकि लॉकडाउन जैसा अगर पीरियड आ गया तो कंपनी का मालिक आपके घर में ईएमआई भरने नहीं आएगा, वो आपको ही भरना है। आप ध्यान रखें, जब एक गाड़ी आप खरीदते हैं कंपनी का बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ता है, और हमारी कंपनी ने कभी प्रमोट नहीं किया, हमारी कंपनी ने 2-3 लीडर ने लिए हैं तो वो उन्होंने अपनी क्षमताओं के आधार पे ली है जो भी गाड़ी ली है, और उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उनका ऑलरेडी घर वर सब कुछ सेटल्ड है, वो इसलिए उन्होंने लग्जरी गाड़ी ले ली, तो कंपनी के जो हमारे सीईओ उन्होंने मना नहीं किया है, लेकिन हमें कभी नहीं बोला, मुझे कभी नहीं बोला कि अजय जी आप ऑडी बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज जगवार लो। मैं 1-2 बार उनके साथ बैठा तो मैंने गाड़ी की बात की तो उन्होंने मुझे अगर मैं बताऊं तो आपको उन्होंने मेरे को बोला कि अजय जी लेना है तो आपको एक तो वो गाड़ी इनोवा ले लीजिए, इनोवा गाड़ी ले लीजिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने पर्सनली उसको वो किया है। कहा मैं 60-70 लाख की गाड़ी लेने की बात बोल रहा हूं, कह रहे नहीं नहीं उसको छोड़ो, इनोवा लो अगर आपको लेनी है तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर इस तरीके की एजुकेशन, इस तरीके के अच्छे अच्छे जो विचार अगर आपकी कंपनी आपको देती है तो फिर आपके पास पैसा सेव होता है। चाहते तो वो भी बोलते जी कार बुक निकालनी है, सबकी कार बुक में फोटो आएगी डालो, तो हम तो पता नहीं कब के मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू ले चुके होते। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी कंपनी के लोग हैं इन बड़े बड़े लीडरों की बातों में मत आओ, आपकी गाड़ी दिलवा के अपने चेक को बड़ा करते हैं। आपका जो भी हाउस फंड है, जो भी कार फंड है, जो भी ट्रैवल फंड है, मैंने जब छोड़ा था तब भी मैंने बताया था, आपको फिर बता रहा हूं, कोई किसी कंपनी के पास अधिकार नहीं है आपका ट्रैवल फंड, आपका हाउस फंड, आपका कार फंड रोक सकती है।
आप कोरोना पेंडेमिक टाइम चल रहा है, आप कंपनी को लेटर लिख के भेजिए, आप बोलिए कि मेरा ट्रेवल फंड, मेरा हाउस फंड, मेरा कार फंड सारा का सारा मुझे चाहिए, अगर कोई रोक रहा है तो उसके अगेंस्ट आप केस डाल सकते हैं। आपका पैसा है भाई, आपके पास अधिकार है। ट्रेवल फंड, अभी हमारे सीईओ आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, इस लॉकडाउन में अभी पता ही नहीं सालों साल कब हम लोग विदेश घूमने जाएंगे, पता ही नहीं है कब जाएंगे, फिर भी ट्रेवल फंड कटे जा रहा है, कंपनी में जुड़े जा रहा है। क्या करना चाहिए था, अगर हमारी कंपनी के सीईओ होते और ये पॉलिसी हमारी कंपनी की होती तो हमारी कंपनी के सीईओ पता क्या कहते, हमारी कंपनी के सीईओ कहते जब तक कोरोना पूरी तरीके से ठीक नहीं होता कोई ट्रेवल फंड नहीं कटेगा, कोई आपका कार फंड नहीं कटेगा, आपके अकाउंट में हम लोग देंगे। हम लोग दुबई टूर हमने क्वालिफाई किया था, उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था, कंपनी का मैसेज सभी लीडर्स के पास आ गया था, जबकि हम वो तो एक कंपनी ने टारगेट निकाला था दुबई टूर का, तो कंपनी का मैसेज हमारे पास आ गया था कि दुबई टूर अब हम कम लेके जाएंगे, हमें नहीं मालूम क्योंकि कोरोना कब तक चलेगा, लॉकडाउन कब तक चलेगा, विदेश यात्रा पता नहीं कब तक हम कर पाएंगे, इसके पास हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जितना पैसा हमारा दुबई टूर में एक डिस्ट्रीब्यूटर का आ रहा है आप सब लोग मेल भेजिए, उतना पैसा हम आपके अकाउंट के अंदर डालते हैं। जिस जिसने मेल किया ना, दूसरे तीसरे दिन सबके अकाउंट में पैसे आ गए। और मजे की बात बताऊं, मैंने अभी तक पैसा नहीं लिया है, मैंने अभी तक पैसा नहीं लिया है वो वाला। और क्यों नहीं लिया पता है, जिस दिन कंपनी दोबारा लेके जाएगी, कोई टारगेट निकालेगी, मैं अचीव करूंगा तो मैं बोलूंगा डीके सारन सर से, सर मैंने उस टाइम का पैसा नहीं लिया, मेरे को अपनी वाइफ को भी साथ लेके जाना है, तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा पैसा टूर का ही तो है ना। वो अगर सिंगल आदमी का टूर निकालेंगे तो मैं अपनी वाइफ को साथ लेके जाऊंगा, मैंने लिया ही नहीं है, कंपनी मना कर ही नहीं सकती है। तो ऐसा सीईओ होना चाहिए। क्या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी ने नोटिस भेजा कि भाई ट्रेवल फंड हम आपका रोकेंगे नहीं, कार फंड हम आपका रोकेंगे नहीं, ऐसे पेंडेमिक टाइम में जहां पे हर आदमी को एक एक पैसे की जरूरत है, वहां पे अगर कोई कंपनी आपका ट्रेवल फंड, आपका कार फंड रोक के बैठी हुई है तो फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आप कौन सी कंपनी का। हमारी कंपनी में ज्वाइन होने में मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, कोई ग्रीन आईडी कराने के लिए 100 PV, 30 PV, 40 PV, 50 PV का सामान नहीं खरीदना। इधर आधार कार्ड पैन कार्ड लगाइए, एंट्री स्टार्ट। अब लोग कहते हैं जब कोई बगैर सामान खरीदे एंट्री लगा देगा तो पे आउट कैसे आएगा? आया भाई, आ रहा है, पिछले 6-7 महीने से किया हुआ हमारे पास आ रहा है, कोई ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं है। आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, आपकी आईडी पहले दिन से एक्टिव होती है। अपना चेक लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपका 5,000 का चेक बन रहा है, आप सामान नहीं खरीदते तब भी पे आउट मिलेगा। अब लोग कहते हैं भाई अगर ऐसी कंडीशन है तो पे आउट कैसे मिलेगा, पे आउट तो बनेगा नहीं। बन रहे हैं भाई, बन रहे हैं, उसके बावजूद भी एजुकेशन होती है, सिस्टम होता है, सामने वाले को समझ में आता है। हमारा हिंदुस्तान के अंदर पहला एकमात्र कंपनी है जो बिल्कुल कंडीशन फ्री है, जिसमें एक आम आदमी के ऊपर किसी भी तरीके की अपना पे आउट को लेने के लिए और ज्वाइनिंग को लेकर कंडीशन नहीं लगाई, और आने वाले वक्त के अंदर लोग इसको फॉलो करेंगे। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी अब मेरे खिलाफ वीडियो बनाएगा या मेरे बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन देगा तो बहुत सोच समझ के भाई साहब देना, क्योंकि मैं तो जवाब देने आऊंगा, वो मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है और उसमें मेरा नुकसान कम होगा, आपका नुकसान ज्यादा होगा। वेस्टइज ने नोटिस दिया है, नोटिस दिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हम क्लैप करते हैं, ये अच्छी बात है। अगर वेस्टइज ने ऐसा नोटिस दे दिया है तो हम तो शुरू से कह रहे थे बहुत सारी चीजें होंगी और अच्छी अच्छा इनिशिएटिव है अगर उन्होंने किया है। जब उन्होंने प्रोडक्ट के प्राइस कम किए थे तब भी मैंने बोला था ये अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी बात है प्रोडक्ट के प्राइस कम होने चाहिए, और अब वो प्लान 2-3 बार चेंज कर चुके हैं, हम उसकी भी तारीफ करते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है कि उसको चेंज करना चाहिए। मार्केट के हिसाब से मैं एक चीज जानता हूं, मार्केट के हिसाब से अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी लीडरशिप, आपकी सोच में फर्क है, आप दूरदृष्टि नहीं है। मार्केट हर 10 साल के बाद चेंज होती है, अब चेंज का वक्त आ गया है। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूं, मैं कुछ लीडर्स को लेके अपने कंपनी के जो सीईओ डीके सारन सर उनके ऑफिस में जब मैं गया रोहतक के अंदर, उनके कैबिन में जब हम बैठे तो सवाल जवाब कर रहे थे कुछ लीडर जो दूसरी कंपनी के थे। एक लीडर ने अचानक एक सवाल किया कि सर जो ये प्लान आज आप दिखा रहे हो, कल को ये प्लान चेंज तो नहीं होगा? मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में हूं, कई लोगों से मिला हूं, कई लीडर से मिला हूं, कई एमडी से मिला हूं, छाती ठोक के बोलते हैं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए प्लान चेंज नहीं होगा, हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है। नंबर वन वाले भी तो यही कहते थे, हमारा नंबर वन प्लान है, हमारा इंजीनियर्ड प्लान है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमने साबित करके दिखा दिया, चेंज करना पड़ रहा है ना। अच्छी बात है, हम उसकी तारीफ करते हैं, जो अच्छी चीज है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। जब डीके सारन सर से ये पूछा, वो भी कह सकते थे बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन उन्होंने क्या नाम है जवाब दिया, और मैं उनका फेवर करता हूं उस जवाब के अंदर। उन्होंने बोला कि हर 10 साल 5 साल के बाद इकोनॉमी और सारी चीजें चेंज होती हैं,
हो सकता है एक दिन हम भी पुराने हो जाए, हमसे बेहतर और लोग आए, और उस वक्त जरूरत पड़े कि आप सबके फ्यूचर के लिए, आप सबके बेहतरी के लिए अगर कुछ चेंज करना पड़ेगा तो मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा और मैं चेंज करूंगा। और उस लीडर को इतनी बढ़िया वो बात पसंद आई थी और मुझे इतनी बढ़िया बात पसंद आई थी कि हमने उनकी तारीफ की थी कि सीईओ होना चाहिए। दूरदृष्टि। अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जीवन के लिए, उनके पे आउट बढ़ाने के लिए, उनको अगर नुकसान हो रहा है उसके लिए अगर चेंज करना पड़ रहा है तो तुरंत कर देना चाहिए, वरना इसी तरीके से दिक्कतें होती हैं। 10-10 लाख 40-40 लाख कमाने वाले लोग जो हैं वो कंपनियां छोड़ के जाते हैं, और उसके बाद देर में समझ में आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा। और ये पता किसको समझ में आएगा? जो जिसने एज ए लीडर जमीन पे काम किया हो, जिसने एज ए लीडर डिस्ट्रीब्यूटर बन के डायरेक्ट सेलिंग को जिया हो, उसके समझ में आएगा क्या दुख क्या दर्द एक डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। तब देता है इंसान अपने अपने प्रॉफिट में से 12% जो हमारी कंपनी ने दे रखा है, तब एक महीने में 6-6, 7-7 जो आपको जो स्कीम्स मिलती हैं लगातार चाय जैसी चीज के ऊपर जो स्कीम कंपनी देती है वो तब देती है जब उसको दर्द मालूम है एक डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये होते हैं चेंज, ये होते हैं बदलाव। तो हम्बल रिक्वेस्ट है ना केवल नंबर वन कंपनी से बल्कि सभी कंपनियों से, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितनी नई कंपनियां हैं उनका स्वागत कीजिए। और जो लीडर ये बोल रहे हैं ना, जो लीडर ये बोल रहे हैं कि हम छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए, भगोड़ा गद्दार, भैया तुम्हारा भी भरोसा नहीं है, ध्यान रखना। मकरानी जी ने शायद 2-4 महीने पहले कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं वेस्टइंडीज को छोड़ूंगा। अजय शर्मा ने जब छोड़ा था नवंबर महीने से पहले, 4-5 महीने पहले, खूब मीटिंग ट्रेनिंग हमने दी है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, देख लेना। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं खूब पॉजिटिव बातें करता था। तो ये बातें बिल्कुल मत बोलो कि हम नंबर वन है, तुमने छोड़ा हमने नहीं छोड़ा, ऐसी स्टेटमेंट मत देना। जिस दिन छोड़ोगे ना वो वीडियो कट कट करके लगेगी, आपकी कंपनी में आए एक और शर्मा जी, आए ना सूरज शर्मा जी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था नेस्विच कंपनी के प्लेटफॉर्म से कि मार्केट के अंदर बहुत सारे मंकी लीडर्स होते हैं, इस कंपनी से उस कंपनी में भागते हैं मंकी लीडर्स। वो मंकी लीडर उनकी टैगलाइन बन गया। 22 लाख रुपए महीना कमाने वाले इंसान ने नेस्विच कंपनी को छोड़ा और वेस्टइज कंपनी को आके ज्वाइन किया, फिर वो वीडियो कट कट के लगी मंकी लीडर वाली। और नेस्विच के एक बहुत बड़े प्रोग्राम में जहां पे 4-5 करोड़ का जो सालाना पूरे साल का जो चेक लिया था, वहां पे बोला था कि मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे दूसरी कंपनी वाले बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो है आज भी देख लेना। लेकिन ये वो इंसान है जो बिक नहीं सकता। हनुमान पता नहीं क्या क्या डायलॉग वो रामायण महाभारत के चले थे, चेंज किया ना सर। तो जब भैया तुम्हारी कंपनी के महानायक ये बात बोल के कि हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे अपनी कंपनी से, उनको हिलना पड़ गया तो तुम्हारी और हमारी तो भैया औकात ही नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जो डायलॉग है ना ये मारने बंद करो, प्रोफेशनल बन जाओ, प्रैक्टिकल बन जाओ। कोई भी इंसान कभी भी कंपनी छोड़ सकता है। मैं अपनी कंपनी के कल मैंने बोला था, कुछ लीडर्स के नाम बताए थे, मैंने बोला था गारंटी इनकी भी नहीं है। कोई भी इंसान परेशान होगा, किसी भी कारण से परेशान हो सकता है, वो कंपनी छोड़ सकता है। तो हम उसको जाने दें, क्योंकि हम खरीद के नहीं लेके आए थे उसको मार्केट से, कि पैसा देके खरीद के लेके आए थे। अब गुलाम बन गया पूरी जिंदगी के लिए, मेरी कंपनी में ही काम करेगा। तो ये नेगेटिविटियां फैलाना हमने शुरू नहीं किया, हमसे पहले बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी कंपनियों के खिलाफ वीडियो बनाए। हम तो फिर भी मैसेज देते हैं, उस वीडियो में कोई मैसेज देते हैं उनको, तो उन्होंने तो पूरी बुराई करी है। जिसको वीडियो चाहिए मैं भेज सकता हूं बहुत सारी, जो आज बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन देते हैं, जो हमारे बारे में बोलते हैं ये लोग गलत हैं, इनको फॉलो मत करो, इन्होंने इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। तो ये 4-4, 5-5 हजार करोड़, 800-800 करोड़ जो कंपनियां लूट के भागी, क्या वो अजय शर्मा ने ज्वाइन की हुई थी क्या सारी की सारी? तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतनी रात में मैं आया तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा मैं बोल रहा था कल गंगा जी नहा के आया हूं। भैया अपने अपने अगर अच्छे कर्म, अच्छा जीवन में कुछ चाहिए तो सब गंगा जी नहा के आओ। मैं तो नहा के आया और आते ही ये न्यूज मेरे को सुनने को मिल गई है। तो अगेन नंबर वन कंपनी वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी के बारे में गलत बोलना बंद करें। आप बढ़िया हैं तो जैसे मुझे सलाह दे रहे हैं ना कि अपने काम पे ध्यान दें, तो प्लीज अपने लीडर्स को सलाह दीजिए अपने काम पे ध्यान दें, और आप भी इस चीज को सलाह लीजिए कि अपने काम पे ध्यान दें। और अगेन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, पैसा कमाइए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में किसी में भी जुड़े हुए बहुत बढ़िया है। 2-3 बातों का ध्यान रखिए, गलत बोल के, गलत लालच दे के, गलत कमिटमेंट करके किसी व्यक्ति को ना जोड़े, पहली चीज। दूसरा, अपने फायदे के लिए किसी के घर में बहुत सारा प्रोडक्ट ना फंसवाएं, चाहे वो ओके लाइफ केयर हो, चाहे वो अदर कंपनी वाले हो, सबको मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, अपने फायदे के लिए, अपने चेक को बढ़ाने के लिए प्लीज 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 बिल्कुल भी आप रिक्वेस्ट ना करें, जबरदस्ती ना करें किसी भी व्यक्ति से कि भैया तू अपना घर भर ले। ऐसा इस इंडस्ट्री में बहुत, जिन्होंने बल्क बाइंग कराई है ना वो हैं भैया इस इंडस्ट्री को खराब करने वाले। और तीसरी चीज,
तीसरी चीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने लग्जरी के पीछे ना भागें, क्योंकि लॉकडाउन कब तक रहेगा, कब तक कोरोना और कोरोना के चाचा मामा ताऊ फूफा आते रहेंगे, ऐसी सिचुएशन पे पैसा जोड़ लो। लॉकडाउन अगर 6-8 महीने के लिए हो जाए तो कम से कम आपको टेंशन ना हो, तब ये इंडस्ट्री सुधरेगी। झूठ बोल के लोगों को जोड़ना छोड़ो, गलत तरीके से अपने चेक को बढ़ाने के लिए, लेवल के पीछे भागने के लिए लोगों को मिसगाइड मत करो, बल्क बाइंग मत कराओ। और तीसरी चीज भैया, अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को नंबर बनाने के लिए लोगों को गलत एजुकेशन देके गलत तरीके से गाड़ियां खरीदवानी बंद कर दो, तो ये इंडस्ट्री ठीक हो जाएगी। और मैं तो जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को ईएमआई नहीं जा रही है लोगों की, भाई बस बेचारे क्या है, फंस गए हैं, बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो 20-30-40-50 हजार 1 लाख आ रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा, तो फिर उसको लेने के लिए इंसान लगा रहता है। और फिर भी भैया, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं तो बोल रहा हूं कि दो तरीके की ऑडियंस हमेशा रहेंगी, दो तरीके की ऑडियंस। लोग तो भगवान को गाली बकते हैं, अच्छा भी बोलने वाले हैं और बेकार बोलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका विवेक आपके हाथ में है, अपने विवेक से काम कीजिए। और मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि इस इंडस्ट्री को भैया एक ही तरीके से बड़ा किया जा सकता है, आप अपनी लीडरशिप का परिचय दो, हम अपनी लीडरशिप का परिचय देंगे। अभी एक कंपनी बीच में इंडस विभाग के साथ दिक्कत आई थी, तो आपकी कंपनी गई सबसे पहले तो अनिल कुमार वर्मा बना रहा था ना, देखा 2 लाख के प्लान पे क्या होता है, इंडस विभाग बंद हो गई। और ये दूसरी तरफ इन्हीं के लीडर कर रहे थे, बोल रहे थे बड़े बड़े लीडर कि आई सपोर्ट इंडस विभाग, और वो क्या कह रहा था, पढ़ा लिखा बेवकूफ, कि इंडस विभाग 2 लाख का प्लान है, उसके तो दिमाग में घुस गया है, यहां घुस गया उसके दिमाग में 2 लाख का प्लान, इस इंडस्ट्री में घुस गया लोगों के 2 लाख का प्लान जो है वो बेकार है। भैया बैठे हैं आपके सामने 74 लाख, 17 महीने में 74 लाख रुपए कमा चुका हूं, बताना नहीं चाहिए। विद स्टेटमेंट जिसको देखना आके देख लेना भाई, घर आना पड़ेगा, कॉफी पिलाऊंगा, विद स्टेटमेंट दिखाऊंगा, ये दावा कर रहा हूं। और आज का चेक जितना आ रहा है वो भी दिखाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा 7 लाख ही आ रहा है। बिजनेस से अप डाउन चलेंगे, मैं ना कभी झूठ बोलता और ना मैं झूठ बोलना सिखाता। और एक स्टेटमेंट चलते चलते और दे देता हूं, मेरी पूरी एंटायर टीम से पूछ लीजिए लेफ्ट राइट, बिजनेस डाउन जाता होता है तब भी मैं क्लोजिंग पे किसी को फोन करके नहीं बोलता हूं अपनी छोटी लेग के अंदर कि भाई बिजनेस कर लो। एक लीडर अगर आके खड़ा हो जाए बोल देना कि सर ने पिछले 17 महीनों में हमें बोला है कि भैया मेरा थोड़ा बहुत बिजनेस कम पड़ रहा है, या कोई राजनीति अपना के, कोई पॉलिटिक्स अपना के मैंने लीडर्स को अगर फोन की हो, मेरी पूरी टीम बता देगी, मैं कभी फोन नहीं करता हूं। नेचुरल बिजनेस जो आ रहा है ईमानदारी से आ रहा है, मैं अपने चेक को बढ़ाने के लिए कभी भी किसी को, किसी के घर को गोदाम नहीं बनाऊंगा, किसी को फंसाऊंगा नहीं, ये मेरी आदत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, दबा के पहुंचे बहुत लोगों तक, जैसे कल की वीडियो में आपने प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और चलते चलते वही चीज, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने कर्म सुधारो, फल जरूर मिलता है, लीडर बना तो देते हैं, वीडियो बना देते हैं, कर्म फल भोगना पड़ेगा, तो अपने कर्मों को भी देख लो भाई, कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, और इसी जीवन में भोगना पड़ेगा, मैंने कई बार देखा इसी जीवन में भोगना पड़ता है, वो किसी ना किसी रूप में निकलता जरूर है। तो अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर दें, गलत बोलना गलत काम करना बंद कर दें, तो अपना जीवन भी सुधरेगा और लोगों का जीवन भी सुधरेगा और ये इंडस्ट्री भी सुधरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।